बहुत ज्यादा मचा रखा है शोर कि कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं बोर, इसलिए आज हम जा रहे हैं कॉर्पोरेट इवेंट को कवर करने द ग्रैंड भारत, जहां पे हमने अपने आर्टिस्ट प्रोवाइड करे और बहुत सारी चीजें करी। तो चलती हैं व्लॉग के साथ, और हमने अपनी गाड़ी को कर दिया शुरू। हमने चेक करा मैप के अंदर, वहां था 45 किलोमीटर दूर, और 45 किलोमीटर दूर जाने से पहले मैंने कहा अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं, गाड़ी को रिचार्ज कर लेते हैं, और हम निकल पड़े ग्रैंड भारत की। और ये हमारी गाड़ी में एक हीरोइन बैठी है, आलिया भट्ट की बहन, पूजा आलिया भट्ट की बहन, पूजा भट्ट। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, और फाइनली हमारा सफर इसी तरीके से चलता रहा, और वो हो गया फिनिश जब हम पहुंचे यहाँ पे। और जैसे हम पहुंचे, हमने सारी सफर की थकान भूल गए और बस देखते रह गए क्या जगह है। सो मैं ग्रैंड भारत पहुंच गया हूँ, मेरे को यहाँ पे अंदर जाना है और अंदर जाके पूरा अरेंजमेंट मैनेजमेंट सब देखना है, और चलते हैं ब्लॉग के साथ। इस इवेंट के लिए आकाश बैंगलोर से आया हुआ था, शोबिस कंपनी की साइट से, तो सबसे पहले हमने उससे मिला, और मैं आप भी मिलवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि बस हुआ तू क्या। बता अरे एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। व्हाट्स और हैपनिंग आज का क्या प्लान है? यार। इवेंट है लेनोवो के लिए, बहुत कुछ करने हैं आज सच में। थोड़ा सा फिक्स अप करने वाला हूँ, थोड़ा सा बहुत फिक्सिंग करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक बाकी तो चल रहा है, टीम है, हो अच्छा, जाएगा। और बस एक बार मेरे साथ है आपकी आंखें देख के लगता है आप सोए नहीं हो गया? हाँ यार। आई थिंक स्लीप इन इवेंट मैनेजमेंट इज लाइक अ मिथ। हाँ कुछ जब मिल जाए तो खुश रहो, जब नहीं मिले तो काम करते रहो, हाँ बस वही है हाँ बात। बताओ चलो एकदम सही बात है। तो जो भी इवेंट मैनेजमेंट करने वाले, ध्यान रखना आंखों को सोने का मौका नहीं मिलता। देखते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। तो जो सिंगर्स था उनका सेटअप हो रहा है, और सिंगर्स अपना सेटअप वेटअप सारा कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा मेन कंसोल है जहाँ पे पूरा सिस्टम सेट होगा, जो सिंगर्स को म्यूजिक देगा, सारी चीज़ें सेट होंगी, सब कुछ चलेगा। और इतनी देर में मैं आपको बाकी का लेआउट दिखा देता हूँ। जैसे बाहर का सीन यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक अपना फ्लेक्स, और अंदर जैसे हम आए यहाँ पे फ्लेक्स है, और जो बाहर दीवारों के ऊपर काम हुआ है वो पहले से हुआ हुआ है, और जैसे हम और अंदर आ रहे हैं यहाँ पे एक और फ्लेक्स है, और यहाँ पे हमारा है कॉफ़ी, और यहाँ है रजिस्ट्रेशन डेस्क। और अगर मैं यहीं पे राइट हैंड साइड, यहीं पे मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, यहाँ पे फूड एरिया है, मतलब जो रात का डिनर होगा वो यहाँ पे होगा। और अगर मैं अंदर की तरफ दिखाऊं, तो यहाँ पे क्लस्टर सेटिंग हुई हुई है, और क्लस्टर सेटिंग में पर टेबल 6 चेयर है, और ऐसे यहाँ पे टोटल 6 वो है, और यहाँ स्क्रीन है, और ये बैक स्टेज है, बैक स्टेज के अंदर मतलब जो सामान और लेबर ये सब रहते हैं, तो वो है। और ये पीछे से एलईडी कैसे दिखती है वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सारा साउंड सेट हुआ जा रहा है, क्योंकि जब रात में हमारे सिंगर्स गाना गाएंगे, आर्टिस्ट गाना गाएंगे, तो वहाँ पे सही साउंड मिले उस चीज़ के लिए मेक श्योर हम अभी से करते हैं, जिसको हम बोलते हैं शो रन। तो जब भी हमारा सेटअप रन, मतलब जब भी हमारा सेटअप रेडी हो जाता है, सबसे पहले हम साउंड चेक करते हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम रियल इवेंट में आए, तब ऐसा ना हो कि साउंड सही से ना चले या कोई चीज़ ना चले। और ये है हमारी लाइट, जिसके अंदर बहुत सारी टाइप की लाइट है, इवन इलेस्पेडियो लाइट, आपका पार्क लाइट, ऐसे बहुत सारी लाइटें यहाँ पे लगी हुई हैं। और मैं यहाँ शीशे के सामने थोड़ा अपना ट्रांसफॉर्मेशन करने का ट्राई कर रहा हूँ, और ये लो, ये रहा हो गया मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिर हम आ जाते हैं सिंगर्स, क्योंकि यहाँ पे अब हमारा सारा सेटअप लग चुका है, और सिंगिंग वाला काम अब बहुत सही से होने लग गया। और यहाँ पे प्रियांशु रजिस्ट्रेशन करवा रहा था, और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप भी प्रियांशु की तरह या किसी भी स्टूडेंट की तरह हमारा सीखना चाहते हो, तो आपको इवेंट मैनेजमेंट ज्वाइन करना चाहिए, और वो आप कर सकते हो हमें इस नंबर पे कॉल करके। सो गाइज, मैं बता देता हूँ, ये हमारी टीम है जो आज सिंगिंग परफॉर्म करने वाली है, और बहुत ही जल्दी गाना भी आने वाला है भाई का, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना। और गाने का नाम क्या रहेगा? जानिए आप, प्लीज़ आप उसको जाके देंगे, भाई ने लिंक दे देंगे आपको, आप प्लीज़ बिल्कुल जाके चेक कर लेना। वो गाना 10 अक्टूबर को रिलीज़ करेंगे हम नेक्स्ट मंथ। ओके और अगर आपको ये लाइव सिंगर जो अभी मैं आपको वीडियोस दिखाने वाला हूँ उस बुक करने की सारी डिटेल्स आपको लास्ट में मिल जाएगी, और उसके बाद शुरू हो गया हमारा कॉर्पोरेट इवेंट। लेकिन मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। सो बेसिकली दिस इज़ अ व्यू एट नाइट, और यहाँ पे लोग अभी वॉक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ लोग कॉर्पोरेट इवेंट में बोर हो रहे थे, इसलिए फाइनली इवेंट खत्म हुआ, और जैसे खत्म हुआ इवेंट वाले नाचने लग गए। पता नहीं ऐसा लगा कि अरे बस अब तो हम ही नाचेंगे,
और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसी क्लिप्स जो उस इवेंट में बहुत ज्यादा मजे हमने। अनिल के साथ। हाय अनिल, माय तो अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताना। नेम इज अनिल एंड कंपनी का नाम योर्स इवेंटफुली है। वी आर मैनेजिंग 20+ आर्टिस्ट ओ माय गॉड। लाइक यू नो बिस्मिल की महफिल, हाँ वो हमारा ही है अभी, अच्छा उसी का नाम है थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ मैं। अच्छा अदरवाइज अच्छा उसके अलावा स्टोरी टेलर भी है, हाँ तरकश भी हाँ है, हाँ हाँ सूर्यवीर भी है अपने पास, मतलब ऐसे 20+ आर्टिस्ट हैं अपने पास। चलो बहुत ही बढ़िया। हाँ, अगर कभी भी टेक राइडर का कुछ भी रहा है या कुछ भी टेक आपको राइडर बात करनी रिलेटेड, हो, आर्टिस्ट रिलेटेड, कोई भी इंक्वायरी कॉन्टेक्ट हो मी, तो आपको कॉल कर ले। डन। चलो ठीक है, सो दैट्स इट। स्पेस फ्रॉम प्राइस बैकेट।